इंदौर में एक बार फिर कानून के रखवाले ने ही महिला की आबरू पर हाथ डाल दिया। आरोपी आरक्षक ने शादी का झांसा देकर युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत के बाद बाणगंगा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद एक और तो महिला अपराधों को लेकर आला अधिकारी हर दिन जागरूकता अभियान चला रहे, लेकिन उन अपराधियों का क्या जो वर्दी की आड़ में महिलाओं की इज्जत से खेल रहे। ऐसे ही एक मामले में उज्जैन में पदस्थ आरक्षक सुनील पवार निवासी हाथोड़ ने शादी करने का वादा कर युवती की असमत लूट ली। पीड़िता की शिकायत पर बाणगंगा पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक ही समाज के होने के चलते आरक्षक ने पारिवारिक रिश्तेदारी का फायदा उठाते हुए उसे घर दिखाने के बहाने हाथोड़ ले गया और वहां उसका शारीरिक शोषण किया। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी जो है उसका नाम सुनील पवार है और वह उज्जैन में पदस्थ है और आरक्षक के पद पर पदस्थ है उज्जैन में। ये लोग एक ही समाज के, एक ही रिश्तेदारी में हैं, एक ही समाज के हैं और रिश्तेदारी के कारण इनका आपस में जान पहचान थी, आना जाना था, बातचीत भी फोन पर होती थी, ऐसा महिला ने बताया है हमें। हमने समुचित धाराओं में अपराध कायम किया है। 376(2)(n) है, 2(f) है, 2(k) है और 323(506) है। जो भी जिस हिसाब से रिपोर्ट लिखाई गई थी उस हिसाब से समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।